Hey, what is up everyone, this is Harshit, welcome back to a new video. तो यार मैं बताने आया हूँ कि जो आपके NMIMS की रिजल्ट की डेट्स हैं वो बताने आया हूँ, जो कंफर्म डेट्स हैं सारे कोर्सेज के लिए. मैं थोड़ा लेट हो गया एंड मैं ऐसी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कि मेरे भी कॉलेज रीओपन हो रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी मेरे को निकलना है, पैकिंग वगैरह चल रही है, फिर मेरे को अभी अहमदाबाद भी जाने बीच में, तो बहुत सारी चीजें चल रही है. वीडियो में टाइम ही नहीं मिल रहा था कि प्रॉपर बनाऊ, सोचा कि आपको ऐसी अपडेट दे देता हूँ. सारे कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है तो आपको बता देता हूँ. देखो ये लिस्ट अपडेट को, अगर आपको जो NMIMS NPAT का पोर्टल है, ठीक है, आपको अपने NMIMS के NPAT के पोर्टल में लॉग इन करना पड़ेगा, अपनी NPAT की आईडी और अपनी जो पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ जो भी उसको डाल के आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है. आप लॉग इन कर लोगे उसके बाद आपके सामने रिजल्ट डेट आ जाएगी सारे कोर्सेज की. और मैं बता भी देता हूँ क्या होगी, जितने भी कोर्सेज बता रहे हो उन सारे कैंपस के लिए आ जाएगी, ठीक है. एक कोर्स पे अप्लाई किया तो आपके सारे कैंपस पता चल जाएंगे. देखो NMIMS का रिजल्ट आता कैसे वो भी बता देते जल्दी से, कि आपकी रैंक आएगी एंड रैंक के अकॉर्डिंगली अगर आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है अगर आपको मिल रहा है तो सिलेक्टेड लिखा होगा, नहीं मिल रहा है तो वेट लिस्टेड होगा. फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा आपके रैंक के अकॉर्डिंगली वो सिलेक्टेड होगा वेट लिस्टेड होगा. ऐसे आपके सारे प्रेफरेंसेज होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस मिल रहा है तो बाकी जितने प्रेफरेंस आपके नीचे वाले वो लाइक नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है. बाकी डिटेल में जो आपका स्कोर का जब आएगा मैं एक और वीडियो बना दूंगा एंड लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो. मैं डेट की बात करूँ तो आपका लाइक बीटेक हो गया और MBTECH हो गया, उनका रिजल्ट आ चुका है जो कि यस्टरडे कल था, जो कि मतलब 12th of July को. आज रिजल्ट आने बी फार्मा एंड MBA का रिजल्ट आने 13 July को. फिर जो सबसे मेन रिजल्ट है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स और जितने भी स्कूल ऑफ कॉमर्स कैंपस है ऑल ओवर इंडिया NMIMS के जो प्रोवाइड करते हैं आपका BBA BCOM BSc फाइनेंस, उनका रिजल्ट आने वाले 15th of July को आ जाएगा. देन मैं बात करूँ BSc तो आपका BSc इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आने 18th of July को, ठीक है. उसके बाद आपका BBA ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग का रिजल्ट आने 19th of July. फिर आपका स्कूल ऑफ लॉ जो प्रोवाइड करता है BBA LLB या BLLB उसका रिजल्ट आने आपका 20th of July को. लास्टली 21st July को आपको दो रिजल्ट आने, ठीक है. एक आपका सबसे पहले आने हैं और BBA इंटरनेशनल बिजनेस का आने, फिर आपका एक BBM का आना है मतलब जो बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग उसका आ जाना है, फिर 21st को आएगा. तो आपको दिख भी रहा होगा साइड में जितने भी कोर्सेज का ऐसे करके है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है. सिम्बाइस का स्कोर कार्ड तो आ चुका, तो उनकी मेरिट लिस्ट वगैरह भी लाइक स्टार्ट हो जाएगी. बस भैया ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जिनका रिजल्ट आने वाला है आएगा, जब आएगा मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके वीडियो बना दूंगा. चिंता मुझको सिम्बाइस की बना दी थी. एंड आप बता दो कमेंट में कि आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको क्या कैंपस मिलना है, क्या प्रेफरेंस है आपकी, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते, कुछ भी डाउट भी है तो ड्रॉप कर दो या फिर हमें उसमें DM कर सकते हो, फॉलो करना थोड़ा जल्दी अप्लाई हो जाए, ठीक है. एंड अगर आपको कुछ भी और भी डाउट टू कॉलेजेस एंट्रेंस या कुछ भी आपको एडमिशन करियर वाइज या कुछ भी कोर्स वाइज, तो आप मेरा पर्सनल गाइडेंस सेशन में एनरोल कर सकते हो. लाइक आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिलेगा, फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दो, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपको एनरोल करवा देगी, ठीक है. बस गाइस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, थी प्लीज लाइक कर दें, फिर चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइस स्टे हैप्पी स्टे सेफ.